हिंदी न्यूज मैं हूँ आपके साथ मुस्कान सिंह। आपको बता दें कि खप्पर यानी डाली यात्रा, जिसके बारे में आप लोगों ने काफी सुना होगा, काफी मशहूर यात्रा है ये, और ये फुलवारी शरीफ में हर साल निकाली जाती है। आपको बता दें कि ये यात्रा 1818 ईस्वी में इस कुछ बीमारी था और जिसमें जिसका नाम हैजा और प्लेग था, जिस बीमारी की वजह से काफी लोगों की मौत हो गई थी और जिसकी वजह से वहाँ सनसनी छा गई थी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फुलवारी शरीफ में एक माता रानी का मंदिर है, जहाँ पे एक चमेली बाबा बैठे रहते हैं और उनके एक दिन सपने में माता रानी का दर्शन हुआ और उस दर्शन में महामारी से बचाव के लिए डाली यात्रा का निकालने का आदेश दिया गया था। जानिए खबर विस्तार से। फुलवारी शरीफ इलाके की, जहां महामारी से बचाव के लिए खप्पर यानी डाली यात्रा निकाली गई है। खप्पर यात्रा के दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे हैं। यह खप्पर यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर टमटम पड़ाव, मस्जिद चौराहा, सदर बाजार, पेटिया बाजार, प्रखंड कार्यालय होते हुए पुनः मंदिर परिसर लौटा। इस दरमियान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए सैकड़ों लोग पूजा में शामिल हुए हैं। गौरतलब यह है कि सन 1818 में हैजा और प्लेग से देश में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इस महामारी के दौरान फुलवारी शरीफ देवी स्थान के मंदिर में पुजारी झमेली बाबा को सपने में मां देवी के दर्शन हुए थे और महामारी के बचाव के लिए डाली यात्रा निकालने का आदेश दिया गया था। मां देवी के आदेश का पालन करते हुए महामारी को रोकने के लिए डाली यात्रा की शुरुआत की गई थी। हर साल सावन माह में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।